सौंदर्य के बारे में गौतम ने कही है ऐसी कौन सी बात जो शालीन कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। शालीन ने टीना और निमृत से की गौतम की चुगली। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में गौतम और शालीन के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली है। दरअसल बीबी अदालत टास्क के बाद इन दोनों के बीच ये फाइट अब खुलकर सामने आ गई है और ये फाइट आगे भी और बढ़ने वाली है। दरअसल शालीन ने टीना और निमृत के सामने गौतम की जो चुगली की है वो गौतम और शालीन की दोस्ती में पड़ रही दरार में आग में घी डालने का काम कर सकती है। शालीन ने टीना और निमृत को ये बताया है कि गौतम सौंदर्या को लेकर शालीन से कुछ इस तरह से बात कर रहे थे जो वो कैमरे पर बोल भी नहीं सकते। यानी गौतम ने शालीन से सौंदर्या की बुराई की है और सौंदर्या के बारे में कुछ अपशब्द कहे हैं। हालांकि गौतम ने क्या कहा है शालीन ने ये बोलकर नहीं बताया। ऐसे में गौतम ने सौंदर्या के बारे में शालीन से क्या कहा है इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन जिस तरह से शालीन ये बता रहे हैं कि गौतम ने सौंदर्या के बारे में क्या कुछ कहा है वो टीना और निमृत को कैमरे पर नहीं बता सकते, तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि गौतम ने कुछ ऐसा कहा है जो बिल्कुल भी टीवी पर सुनने लायक नहीं है। और अगर गौतम ये बात और शालीन अगर ये बात सच में कह रहे हैं तो ये गौतम के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अब देखना ये होगा कि जब गौतम को इस बात का पता चलेगा कि शालीन ने टीना और निमृत से सौंदर्या को लेकर कुछ उनकी चुगली की है तो उस पर गौतम का क्या रिएक्शन होता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि गौतम और शालीन के बीच अभी एक और बड़ी फाइट होने वाली है। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।